उपलब्धियों को लेकर। तो ये मैं बता रहे थे कि अपने आप देखिए, हम हिस्ट्री पढ़ाते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में, तो इन सब चीज़ों को हम लोग ज़्यादा नज़र रखते हैं कंपेयर टू जो पॉलिटिकल पार्टी के जो लोग बोलेंगे। तो ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ इंडिपेंडेंट इंडिया में कि एक पार्टी प्रॉपर अपने बलबूते पे जो है कांग्रेस पार्टी को रिप्लेस किया है। अदरवाइज आज तक कोई भी पार्टी कांग्रेस को अपने बलबूते पर रिप्लेस नहीं कर पाई, पहला चीज़। दूसरा चीज़ ये कि अब हमको लग रहा है कि जो हिंदुस्तान का जो वोटर है उसका एक मैच्योर डिसीजन है, एक परिपक्व निर्णय। परिपक्व इस सेंस में नहीं कि नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, बीजेपी की सरकार बनेगी। परिपक्व इसलिए कि एक लंगड़ा लूला जो गवर्नमेंट होता है उसका क्या हश्र होता है, उसकी क्या परेशानियां होती हैं, उसका क्या प्रॉब्लम्स होता है, ये आम जनता जो देख चुकी है। नहीं, आपका कहना है कि जो कांग्रेस पार्टी की जो सरकार है उसका जो गवर्नमेंट था वो लंगड़ा लूला था। नेचुरली आप एलआई अब रीजनल पार्टी के बेसिस पे चल रहे हैं, किसी पे सीबीआई का मुकदमा डलवा रहे हैं, कोई उसके डर से आ रहा है, कोई उसके डर से भाग रहा है, मनमोहन सिंह को डिसीजन नहीं लेने दिया जा रहा है, एक प्राइम मिनिस्टर होते भी कोई प्राइम मिनिस्टर फैसला नहीं ले पाता है। तो नेचुरली कांग्रेस देश के अंदर इलेक्शन अपडेट सुनते हैं डॉक्टर। इस समय का ताजा इलेक्शन उद्घोष, यूपी की 80 लोकसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी 72 सीटों पर आगे चल रही है। तो लगातार बीजेपी की उपलब्धियां बढ़ती जा रही है। यूपी की 80 सीटें हैं जिसमें 72 सीटों पर बीजेपी इस वक्त आगे चल रही है। डॉक्टर बिल्कुल बिल्कुल प्रियंका, तो 80 में से 72 सीटें इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के पाले में है। तो 16वीं लोकसभा चुनाव के जो नतीजे इस वक्त हम सबके सामने आ रहे हैं, वाकई ये इस वक्त हर मायने में ऐतिहासिक है। एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहाँ रुकना होगा, तुरंत लौटेंगे, आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। क्या आपको मालूम है शादी के बाद कई बार कुछ सेक्स समस्याएं आ जाती हैं जो लाइलाज नहीं होती, और ना सहे हमसे कहें। अशोक क्लिनिक चांदनी चौक दिल्ली। स्वामी जी गुरुजी ठंडाई, गुरुजी ठंडाई, गुरुजी ठंडाई, प्रकृति का वरदान हर घर के नाम गुरुजी ठंडाई। इंडिया थैंक्स फॉर वोटिंग। अब की बार लेमन मोबाइल लो यार। ये सारी एनर्जी आपके मोबाइल फोन बैटरी में, जूस लाइफ फुल ऑन। इंडिया थैंक्स फॉर वोटिंग। अब की बार लेमन मोबाइल लो यार। क्या आपको मालूम है शादी के बाद कई बार कुछ सेक्स समस्याएं आ जाती हैं जो लाइलाज नहीं होती, और ना सहे हमसे कहें। अशोक क्लिनिक चांदनी चौक दिल्ली। स्वामी जी गुरुजी ठंडाई, गुरुजी ठंडाई, गुरुजी ठंडाई, प्रकृति का वरदान हर घर के नाम गुरुजी। तो उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में से 72 सीटें इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के पाले में हैं, और शायद ये कहा जा सकता है कि इस वक्त अपनी उम्मीदों से भी कई आगे नजर आ रही है भारतीय जनता पार्टी। 80 में से 72 सीटें, एक बार फिर से रुख न्यूज रूम का करेंगे प्रियंका। धन्यवाद अनिता, आपके पास आना चाहूँगी। आरजेडी की तरफ से हमारे साथ हैं इस वक्त असद अली जी जो कि स्पोक पर्सन है। आरजेडी की बात करें तो इस वक्त बिहार में आरजेडी बहुत बेहतर स्थिति में नज़र नहीं आ रही है, और बार बार कांग्रेस पार्टी पर भी निशाना साधा जा रहा है, आप सहयोगी हैं? ये बात आपका कहना बहुत हद तक सही है, लेकिन आपको एक बात अप्रिशिएट करनी पड़ेगी कि आरजेडी के नेता लालू जी यादव बहुत ही एडवर्स सर्कमस्टांसेस में हैं, उन्होंने इलेक्शन लड़ा, लेकिन इवन देन आप लास्ट आने दीजिए क्षण, आप देखेंगे कि कंपैरेटिवली अदर स्टेट्स के मुकाबले में आरजेडी का आप बेटर बिहार में। आपके पास आना चाहूँगे जैन साहब, बहुत से मसलों पर आप अपनी बात कहना चाहते, क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि जो हम यूपी में देख रहे हैं 72 सीट्स पे, रुकना चाहूँगी, वसुंधरा राजे इस वक्त क्या कुछ कह रही हैं, सुनते हैं उन्हें। जो आज तक सौतेला व्यवहार होता रहा है, हम सबको उससे अब छुटकारा मिलेगा। और मैं ये कहना चाहती हूं कि आखिर में कांग्रेस मुक्त भारत जो हम लोग सब सोचते थे कभी हो नहीं सकता, वो अब हम सबके हाथ में आ गया है, और ये भारत आगे बढ़ेगा। इसी विश्वास के साथ मैं आप सबको बहुत बहुत आज के दिन बधाई और धन्यवाद देना चाहती हूँ। Now I'll go to the English. As promised, we have accomplished Mission 25. तो वसुंधरा राजे को आप सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि हम सोचा करते थे कभी कि
कांग्रेस मुक्त भारत आखिरकार कब बनेगा, कब होगा? और शायद आज वो दिन देश के लिए, खासकर बीजेपी के लिए आ ही गया। प्रियंका, धन्यवाद। अगर बात करिए, वसुंधरा राजे ने साफ तौर पर यही कहा कि कांग्रेस मुक्त भारत होना चाहिए और अब वो सपना साकार होता हुआ नजर आ रहा है। जैन साहब, देखिए, कांग्रेस का जो वोट था वो हर जगह से आता था। कांग्रेस और बीजेपी के वोट में जो डिफरेंस होता था, तो हमारा बहुत एक नैरो स्पेक्ट्रम होता था, बहुत ही कम स्पेक्ट्रम होता था। कांग्रेस को ब्राह्मण का भी मिलता था, बनिए का भी मिलता था, क्षत्रिय का भी मिलता था, एससी का भी मिलता था, एसटी का भी मिलता था। एक टाइम था जो एक बहुत बड़ा अम्ब्रेला कांग्रेस का था। बीजेपी को कह दिया गया कि ये तो बनिया ब्राह्मण की पार्टी है, ये बड़े लोगों की पार्टी है, एंटी पुअर है, और ये सर्टेन कास्ट इसको कभी वोट नहीं कर सकती, दलित जो है वो मायावती को वोट करेंगे। ये जो पूरा जो मॉडल है इसको मोदी जी ने पूरा शिफ्ट कर दिया। इलेक्शन अपडेट सुनते हैं। इस समय का ताजा इलेक्शन उद्घोष। हरियाणा के भिवानी सीट से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी धर्मवीर सिंह जीत गए हैं। चलिए, तो हरियाणा में बीजेपी को एक और जीत मिल चुकी है। चेतन जी, आपके पास आना चाहूंगी। कहने के लिए तो ऐसा लगता है कि बहुत कुछ है, लेकिन आज बातें खत्म ही नहीं होने वाली। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए, ये तो एक बहुत बड़ी जीत है। और जैसा कि आंकड़े आ रहे हैं, जो आंकड़े निकल कर आ रहे हैं, ये बहुत बड़ी जीत है। मैं समझता हूँ जनता परिवर्तन चाहती थी और ये परिवर्तन हुआ है, और उस परिवर्तन के अंदर सब लोग मिल गए। और जैसा भी मैं पहले भी कह रहा था और जैन साहब भी कह रहे हैं कि यहाँ पर कोई, जैसे कोई बिरादरी चलती थी, कोई जात चलती थी, कोई जात जो थी वो बहुजन समाज पार्टी के साथ आइडेंटिफाई हो जाती थी, कोई जात जो थी वो समाजवादी पार्टी के साथ आइडेंटिफाई हो जाती थी, और कुछ जात जो थी वो कांग्रेस के साथ हो जाती थी। यहाँ पर कोई जात किसी के साथ आइडेंटिफाई नहीं हुई, सब जातियों ने मिलकर जो है भारतीय जनता पार्टी को जिताया है, मोदी जी को जिताया है। मैं समझता हूँ ये जीत जो है ये मोदी जी की जीत है, और जनता ने मन बना लिया था कि मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है, और इसीलिए इतना बड़ा बहुमत भारतीय जनता पार्टी। सूरज जी, आपसे एक सवाल करना चाहूँगी। कुछ जगहों पर जिक्र किया जाता है कि कास्ट फैक्टर वहाँ पर नजर आता है, कास्ट की वजह से वहाँ पर प्रत्याशियों की किस्मत तय होती है, लेकिन इस बार ऐसा लगता है कि कास्ट का जो असर है वो भी समाप्त हो गया, और इसलिए शायद मोदी जी ने जो जीत कहा है वो इंडिया जीता ऐसा कहा है। और सचमुच में ऐसा कहना पड़ेगा, ये किसी धर्म, जाति, भाषा, प्रांत, इस सारे जो विभाजनकारी तत्व हैं उनसे आगे जाकर ये जीत हिंदुस्तानियों की जीत है। उन्होंने हिंदुस्तान के लिए वोट किया है। हमने भी कैंपेन चलाया था वोट फॉर नेशन, और जिसको बहुत बड़ा रिस्पांस मिला था, और हज़ारों लोगों, लाखों लोगों ने इसमें प्रत्यक्ष सहभाग किया था। तो ये मुझे लगता है कि हिंदुस्तान की जीत है, हिंदुस्तान की जीत आपने इसका नाम दिया। शहजादी, आपके पास आना चाहूँगी। बीजेपी के लिए कहने को बहुत कुछ है, कांग्रेस के पास आज कहने के लिए कुछ नज़र नहीं आ रहा है। आखिर ऐसी कौन सी गलती हो गई कि इतनी बड़ी सज़ा मिली? कि हम लोगों ने 5 और उल्टा 10 सालों में उतना नहीं कहा जितना हमें कहना चाहिए था, और बीजेपी के लोगों ने इतना कह दिया जिनका उनको कहने का हक नहीं था। मतलब हक ऐसे नहीं कि उन्होंने बहुत ज़्यादा कह दिया, हमने कुछ कहा नहीं। कम्युनिकेशन की बात आती है, पर मुझे लगता है कि अभी भूमिकाएं बदल गई हैं। अब अगले 5 साल हमें बोलने का मौका मिलना चाहिए और उनकी टीका टिप्पणी करने का मौका मिलना चाहिए, जैसे ये करते थे हमारी। मुझे लगता है कि इसी में देश के लिए भला होगा। एक और बात का, मैं वसुंधरा राजे जी बहुत सीनियर है, शायद वो नहीं जानती कि आज भी कांग्रेस पार्टी को 22-23% वोट मिला है, सीटों में तब्दीली नहीं हुई है। और कांग्रेस मुक्त भारत मतलब गांधी जी मुक्त भारत, नेहरू जी मुक्त भारत, इंदिरा गांधी जी मुक्त भारत, इतना अहंकार क्यों दिखाना है? चलिए, आप कह रहे हैं कि बीजेपी अहंकार दिखा रही है, एक और छोटी बात। पहली जो कांग्रेस की सरकार बनी थी उसमें श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी मंत्री थे, क्योंकि नेहरू जी ने पूरे कैबिनेट में उनको भी मंत्री बनाया था। तो कांग्रेस मुक्त भारत जब वो कहती है, इसका मतलब उस इतिहास को भी मुक्त करना जिसमें श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। पर भी अब आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गया। चेतन जी, क्या कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी, खास करके नरेंद्र मोदी जी भी और भारतीय जनता पार्टी एक बात कर रही है कि हमको सबको लेकर चलना है। आज भारतीय जनता पार्टी